हाल ही में एक चुनाव प्रचार में उतरे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और इस बार किस तरीके से अपनी जीत को वो पक्का करते हुए दिखाई दिए हैं और किस तरीके से साथ दे रहे हैं वो भाजपा का, और साथ ही साथ आजमगढ़ के लिए इस बार उन्होंने गाना भी गाया। आइए आपको सुनाते हैं। किसान मोर्चा के महामंत्री विनोद उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, हमारे भैया संजय यादव, जिला मंत्री भाजपा राम बचन यादव जी, ठीक है, और यहाँ उपस्थित हमार बड़ बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी लोग, हमार माता बहन लोग, और आई छोट छोट हमार निरहुआ हिंदुस्तानी के फैन लोग, आप सबके दिनेश लाल यादव निरहुआ के तरफ से सबका पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो हम लोग को पता है ना हम काहे खातिर आए भाई, चाची लोग जानत हो ना, हम ये खातिर आए नहीं कि केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। काहे कि हेलीकॉप्टर से उड़ के आवे वाला और तुम लोग के ऊपर धूल उड़ाए के चल जाए वाला, उन लोग के ना पता चली कि आई धूल फांक के कैसे यहाँ रह जाला। धूल उड़त है हमार भैया लोग, बहनी लोग, सब लोग, ये धूरिया एकदम उड़त बा, ये में सब लोग खड़ा, तो ये बात क्यों का समझी जे कबो है रोडवा पाइब न करी, जीत लेला आ जीतले के बाद गईला 5 साल ले उगबे न कैला। बहुत लोग हमसे पूछे तो कहो निरहु ए मरना बढ़िया फिल्म उलिम बनाओ तला तो हके का जरूरत रही, हम कभी जरूरत ऐसे पड़ गई कि आई भैया बहनी लोग, गांव घर का हमारे जो लोग हवा, यह लोग हमके भैंस चरावे तनी हीरो बना देना लोग। गांव में कटिया बिनिया करत रहनी, भैंस चरावे तनी, बिरहा गावे तनी, ई लोग हीरो बना देना, आई नह लोग के साथे धोखा होता। हेलीकॉप्टर से आवा ना लोग, पर्चा भरल ना चल जाना, जीतने के बाद अपन सर्टिफिकेटो ले आवन। जनता का हाल चाल पूछल तो बहुत दूर की बात है, हम कभी ना अब गलत होता तो जे ना गरीब संग कर इंसाफ हो, हे भैया रही ले हम करे खिलाफ हो, हे चाची रही ले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे चौन जाई चाहे परान जाई, नहीं बढ़ल कदम पीछे वाला मेरे हुआ रिक्शा वाला, मेरे हुआ रिक्शा वाला। तब से कहनी कि भैया निरहुआ रिक्शा वाला फिल्मिया में तो गरीबन पर अत्याचार करे वालन के लखेदबे करला, अब बहुत लखेदनी बहुत लखेदनी, 100 फिल्म हो गल लखेदत लखेदत, अब केवल हमारे देश के तरफ आंख उठोले तो के तो पाकिस्तान ले लखेदनी दिखा लू ना। तो हम कहने कि अब अपने देशवे में, अपने घरवे में, अपने गाँव में हमारे भैया बहनी लोग का हक छीना था, जीत के जात हो कुल ले उपते ना हो सो, अदमीन के कौन तकलीफ बा देखते ना हुआ, तो हमके कहना कौन की ला आई है। अब अखिलेश भैया के सामने नाचे गाँव वाला के लड़ावे थे लोग, हम कहनी यही का तो जरूरत है कि नाचे गाँव वाला जीती तो एक और हर सड़क बनत रही, हर शूटिंग होत रही, हर नचबो कर सही बात है ना। कुछ लड़का यो कहल कि कहो निरहु चचा, ए मर्दवा बढ़िया फिल्म बनावत रहला आ तू नेता बन जेबा तो हमन फिल्मिया कैसे देखल जाइयो, तो हम कभी चिंता मत करा लड़को, ये जगह है श्रीनगर, निरहु बम्बई ना जइया,
और फिल्म बनावे को हुई तो बम्बई आजमगढ़ में आई, जहाँ तो आर निरहुआ खड़ा हुई वही जो फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो जाए। चिंता मत करा लोग, हम यहाँ आए हैं दोनों काम करे खातिर। जो जीत के भाग जाते हो लोग, उन लोग से तो हम लोग छुटकारा दिलावा आ लें, और साथे साथे यहाँ शूटिंगो हो। बम्बई वालन के पता चली कि बम्बई में तो एक थे निरहुआ आ रहा, यहाँ तो घरे घरे निरहुआ हो। फिल्म बनावत बनावत थक जाइए लोग, यहाँ निरहु खत्म ना हो। हर गांव में हर घर में निरहु कुल हीरो हो वही। हाँ तो यही से हम चाहते हैं कि फिल्मिया यही जो बनो, गलत ना ना। ए भैया जो ले ना सहड़ रहे तो ले मन गई नहीं जा। अब जहां निरहुआ जाला जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री वो पिछवा पिछवा भागे ले, तो उन लोग के भगा के लिए गए जा आजम कर लिया गया, ठीक है ना। अच्छा दूसर बात ही कि हमरे बड़का भैया अखिलेश भैया और विजय लाल यादव भैया हमारे बड़े भाई हो ना, ये लोग दोनों जाना कहत हो लोग कि हमान जा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाओ जी। हम कहने अच्छा ए भैया ये कौन जीत धले लालो, उन लोग कहते कि जीत ही है, हमारी जिद है कि हम नरेंद्र मोदी जी को आने नहीं देंगे। हम कहने तो हम लोग पगला गया, तो हम लोग का जीत है कि नरेंद्र मोदी को आने नहीं देंगे। हाई आजमगढ़ जीत ठान ले कि नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। फिक्र एकदम हो, देश कैसन प्रधानमंत्री जोन सीमा पे तैनात जवान से लेके खेत में खड़ा किसान तक सबकर चिंता करे वाला आदमी, पूरे देश का चिंता करे वाला आदमी। और ई लोग के कर चिंता करो ना अपने घर का आल लहना, जब फरमावा भर है बड़का भैया हमारे अखिलेश यादव जी तो कहना कि इटावा भी हमारा घर है, आजमगढ़ भी हमारा घर है, तो मतलब समझ ला लो। उनको मतलब ही रहे कि इटावा हमारा घर है, वह जो हमारे ही घर का लड़ी हो, आजमगढ़ हमारा घर है, यही जो हमारे ही घर का लड़ी। अब तो हम लोग पीछे पीछे झंडा लेके ढोला है ना, वो तो लोग से झंडा ढोआ हुआ आलो। भैया हो बहनी हो एक बात और कहना अखिलेश भैया कि परीक्षा का क्या जरूरत है, लड़का दौड़ निकाल ले भर्ती करा। तो इकरे पीछे उनको सोच का तरी समझ लिया लो, इकरे पीछे उनको सोच ही है आजमगढ़ के लड़कन के अनपढ़ बनावल चाहता। एक बात बतावा चाची बहनी लोग भैया लोग, एक बात बतावा अगर तू भी हमें अपने लड़का से पूछो बा कि करे स्कूल में कहा नहीं जा रहे, तो वो कहीं जब परीक्षा ना हो तो कहाँ जाए हो, कही ना कि जब परीक्षा ना हो तो स्कूल में कहीं क्या जरूरत है। तो इस साजिश की समझा का चाहत हूँ अखिलेश भैया, चाहत हूँ कि तुम्हार लड़का बच्चा अनपढ़ रहा न पढ़े, और कहां के खुनो में अखिलेश 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 अखिलेश। लेकिन एक तरफ हम हमका मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हुआ जो हम कहला कि निरहुआ आजमगढ़ जाना तो बता देना, जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसके दूसरे दिन आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना शुरू हो जाएगा। एक आदमी तोरे लड़का बच्चन के पढ़ावल लिखावल चाहत हुआ, आगे बढ़ावल चाहत हूँ कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, और एक आदमी साजिश, ऐसा साजिश हमारे बड़े भाई हो उन लोग से हम कहली कि वो काम करा तो उन लोग से हमारे को दुश्मनी थोड़ा। अरे भैया हमारा आवा आजमगढ़ गांव में घूमा देखा, गांव के सड़क का क्या हाल है, लेकिन का हाल है, खेत बाड़ी का क्या हाल है घूमा। आज जब तू थका जी बात हमारे बड़ भैया आवा आई कुल धूर माटी में जब फाक लेबा और जब साझी के लौटबा तो तुम्हार कपड़ा वपड़ा गंदा हो जी तो हम तुम्हार कपड़ा धो दे छोट भाई, अगर तू थका जी बात तो तुम्हार घोर दबा दे
लेकिन भैया 12 तारीख के बतमिया तो है कमल वाली दवाई। रिश्ता नाता एक तरफ और देश एक तरफ, देश से बढ़ के कुछ ना, कहें कि जब पूरे देश का भला होई तब तो दोनों लोग का भला होई। सब कर भला के में बा जे में देश का भला बा। सहमत हुआ लोग हमारे बात से? तो वो फिल्म हमारे देखने वालों राजा बाबू, राजा बाबू में हमार रवि किशन भैया एगो गेम खेलल जाला, का ना होकर के बनी करोड़पति। आज हम एक सवाल तो हम लोग से पूछो थी, यहाँ जितना लोग खड़ा हुआ हमार भैया बहनी चाचा चाची सब केहू हाथ उठा के बतैया लोग, दोनों लोग चाची बहनी दोनों लोग सब केहू हाथ उठाई एक साथ, ओकरे बाद जवाब दिया लोग हमारे सवाल का, जो जीती ओके इनाम मिली। सवाल ये हो 2019 में के बनी प्रधानमंत्री? चाची लोग हाथ ना उठानी, तो हम लोग हाथ उठावा तो हम लोग का आशीर्वाद डायरेक्ट पहुंची मोदी जी तक, ठीक ना? सब के हाथ उठाई के बनी 2019 में प्रधानमंत्री? मोदी जी ना, हाँ। तो हम लोग पास हो गई ना, और 2019 में ये दुनिया का सबसे बढ़िया, ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री तो हम लोग के इनाम मिलकर। 12 तारीख के जब जाइ आलो बुधवा पर नहा धो के मस्त एकदम चकाचक तैयार हो जाइ आलो, ठीक है? सेंट ऑन मार लिया लो एकदम चौचक, अब पहुंच के बूथ।